हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग डर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एंड्रॉपी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और एंड्रॉपी के बारे में हमने काफ़ी लंबा लेक्चर जो है ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है आज हम एंड्रॉपी uh, चेंज uh, के बारे में न्यूमेरिकल uh, निकालेंगे और साथ में एंड्रॉपी के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स पॉइंट्स के बारे में बताएंगे और सेकेंड लॉफ थर्मोडािक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो चलते हैं हमारा आज का जो पहला नोमेरिकल है बहुत सिंपल नुमेरिकल है इसके नुमेरिकल बेस्ड अपॉन एंड्रोपी चेंज उसने कहा कि आप ड्रॉपी चेंज कैलकुलेट कीजिए हेक्सेन की जब इसका एक मोल इवेपोरेट कर जाता है 341.7 केल्विन पे यानी टेम्परेचर गिवन है और इन थेरेपी ऑफ वेपराइजेशन ट्वेंटी नाइन के पर मोल गिवन है तो सोल्यूशन में हमें टेम्परेचर गिवन है कैलविन में गिवन है इंथेलपी ऑफ वेपराइजेशन किलो जाउल में गिवन है इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके मैंने जाउल में कन्वर्ट कर लिया एंड्रॉपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आ, मुझे कहा गया है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में एंड्रापी चेंज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो सकता है या इंथेलपी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी हो सकता है तो इंथेलपी ऑफ वेपराइजेशन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जाउल पर मोल है टेम्परेचर इज थ्री फोर्टी वन पॉइंट सेवन कैलविन है तो इसकी कटिंग कीजिए एटी फोर डेसीमल एट सेवन जाउल कैलविन ऊपर चला जाएगा पर कैलविन पर मोल इज गोइंग टू बी योर आंसर तो द नमेरिकल आर दैट सिंपल एंट्रोपी चेंज के बारे में uh, कुछ इम्पोर्टेंट uh, करेक्ट्रिस्टिक्स हैं इसके जैसे कि एंट्रोपी चेंज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये सिस्टम की uh, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है आ, और इसलिए इसको स्टेट फंक्शन कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब कि ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस या एंड्रापी चेंज जो है वो ज़ीरो होता है uh, हमने आगे भी साइक्लिक uh, प्रोसेस uh, uh, एक पढ़ा था वहाँ पे भी हमने uh, एक और फिज़िकल क्वांटिटी थर्मोटानिक क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था वहाँ हम अभी हमने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंथेलपी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है यहाँ पे हम एंट्रोपी चेंज को कह रहे हैं एक स्टेट जब होगा तो एंट्रापी चेंज जो है उसको ज़ीरो आपने कंसिडर करना है एडेबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसे एडेबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे कंटेनर के अंदर होता है जिसमें कोई हीट फ्लो नहीं कर सकती सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ तो फिर एंट्रापी ऑफ सिस्टम इज एकल टू एंट्रापी ऑफ सराउंडिंग इज ईकल टू टोटल एंट्रापी इज ल टू ज़ीरो ठीक है तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है नमेरिकल निकालते वक्त ओके हमारे पास दूसरा नमेरिकल जो है एंट्रॉपी चेंज का ये भी एग्जैक्टली exactly वैसे ही है इसमें उसने कहा कि आप एंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट कीजिए लेकिन इसमें एक डिफरेंस डाल दिया उसने मोल की बजाय आइस दे दिया कि एक ग्राम आइस है उसको आपने वाटर में कन्वर्ट करना है 273 सेवेंटी पे और प्रेशर वन एटमासफेयर के वन है तो गिवन ऑफ़ फ़्यूजन है हमारे पास सॉल्यूशन हमने नोमेरिकल सॉल्व करना है तो टेम्परेचर हमें 273 सेवेंटी थ्री कैलविन गिवन है ऑफ़ फ़्यूजन किलो जाउल में गिवन है थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके जाउल में कन्वर्ट कर ली हमने ठीक है जाउल पर मोल हो गई है ये कैलविनस में गलती से लिखा हुआ ये मैं रब कर देता हूँ तो ऑफ़ फ़्यूजन हमारी जो है वो जौल पर मोल हो गई तो बाद में तो एंट्रोपी चेंज ही निकालना आपको तो एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए ऑफ़ फ़्यूजन अपॉन टेम्परेचर इंथेल्पी ऑफ़ फ्यूजन हमारे पास है सिक्स डेसिमल ज़ीरो टू फाइव थाउजेंड ये सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हो जाएगी अपॉन टेम्परेचर करना है आ, साथ में इसको आ, जो इंथेल्पी है इसको आपने कि एक ग्राम आइस के लिए आपने एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आपने जो इंथेल्पी फ्यूजन है उसे टेम्परेचर के साथ साथ मोलिकुलर मास के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि इंथेल्पी चेंज को टेम्परेचर और मोलिकुलर मास के प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास जो एंट्रापी चेंज है वो जाउल पर केल्विन पर ग्राम में आ जाएगा इसमें और पिछले नमेरिकल में एक डिफरेंस आ गया ये मैंने दोनों नमेरिकल अनसॉल्ड एक्सरसाइज से ले ली हैं डेलिब्रेटली क्योंकि जो सॉल्ड एक्सरसाइज थे वो सारे आ, सिंपल थे बहुत ज़्यादा तो इसमें एक नमेरिकल मैंने जाऊल पर केलविन पर मोल में निकाला है एक मैंने जाऊल पर कैलविन पर ग्राम में इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन ही ए ग्राम आइस थी तो मास को अगर यहाँ पे मास हो उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करो तो ये पर मोल हो ही जाता है तो हमने इसको क्या किया कि फ़्यूजन जो है उसको टेम्परेचर से तो डिवाइड करना ही होता है ड्रॉपी चेंज निकालने के लिए साथ में हमने फ़्यूजन को मालिकुलर मास जो वाटर का है उसके साथ डिवाइड कर दिया कॉट ये था हमारा सेकेंड मेरिकल अब हमने स्पॉन्टेनिटी को एंट्रॉपी की चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमने पीछे पढ़ा है कल के टॉपिक में पढ़ा है कि जो टोटल एंट्रॉपी होती है वो एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग के इक्वल होती है जो मैंने कल साइक्लिक चेंज में प्रूफ भी कराया था कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एस जो है वो जीरो होता है ये कल भी बताया था और आज एक पॉइंट्स में भी बताया तो लेकिन अगर साइकिलिक प्रोसेस नहीं है तो एंट्रॉपी चेंज टोटल या इसे एंट्रॉपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है दिस इज़ इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रापी ऑफ सराउंडिंग तो इसमें हमने ये जो टोटल एंट्रॉपी चेंज है अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस और अगर किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा एस टोटल यानी कि टोटल एंड्रापी चेंज का आंसर नेगेटिव में आता है तो प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता ये यानी कि प्रोसेस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस अगर किसी नमेरिकल में डेल्टा एस टोटल ज़ीरो होता है तो प्रोसेस जो है वो कौन सी स्टेट में है इटलिप्रियम में है आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इसको हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं तो आ, आपने क्या करना है आपके पास वाटर है उसको अपने आइस में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर आपको तीन दिए गए हैं 272, 273 एंड 274 सेवेंटी और डेल्टा जब वाटर को आइस में कन्वर्ट किया 272 पे फाउंड आउट किया गया प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू सेवेंटी थ्री पे ज़ीरो और टू फोर पे माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पर कैलविन पर मोल तो टू uh, सेवनटी टू टेम्परेचर पे डेल्टाजोटल की वैल्यू है पॉइंट जीरो ऐट यानि टोटल है पॉजिटिव यानी कि के टू सेवेंटी टू कैलविन टेम्परेचर पर यह प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है और टू सेवनटी थ्री टेम्परेचर पे एंट्रोपी uh, चेंज की वैल्यू जो है वो जीरो है यानी वाटर और आइस के बीच में एक है और 274 सेवेंटी फोर कैलविन पर डेल्टा एस की वैल्यू जो है माइनस जीरो डिसमस जीरो एट जाउल पर कैलविन पर मोल है जिसका मतलब कि डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अब मैं इसके ऊपर एक नमेरिकल करवाने जा रहा हूँ के डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग के इक्वल होता है ठीक है तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस जो है वो किसके इक्वल होता है एच अपॉन टी के इक्वल होता है डेल्टा अपॉन टी के डेल्टा एच क्यू के इक्वल होता है तो अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो करती है यानी सिस्टम हीट लूज़ करता है और सराउंडिंग गेन करता है तो हम सिस्टम के लिए पहले हम सिस्टम ले रहे हैं ना डेल्टा सिस्टम इक्वल टू क्यू अपॉन टेम्परेचर सिस्टम तो क्यू की वैल्यू को नेगेटिव ले, ले लेंगे क्योंकि सिस्टम हीट को लूज़ कर रहा है प्लस सराउंडिंग जो है वो हीट को गेन कर रहा है तो जो अब्जॉर्ब करता है हीट को उसके आगे क्यू का साइन क्या होता है पॉजिटिव अपॉन टेम्परेचर सराउंडिंग एक नमेरिकल ऐसे निकाला जा सकता है तो डेल्टा टोटल ऐसे निकाल सकते हैं अगर वाइस वर्षा हो जाए हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग की बजाय हीट फ्लोस फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम तो उस केस में सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा क्यू अपॉन टी सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो हीट को लूज कर रहा है ठीक है रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग अगर क्यू जाउल्स में है टेम्परेचर केल्विन में है तो डेल्टा एस का आंसर जो है जाउल पर केल्विन में आ जाएगा कॉटेड इसके ऊपर हम अब न्यूमेरिकल करेंगे आपने नमेरिकल की स्टेटमेंट में ये ध्यान से देखना है सिस्टम हीट लूज़ कर रहा है कि गेन कर रहा है अगर सिस्टम हीट को लूज़ कर रहा है रिलीज़ कर रहा है तो आपने ये वाला जो साइन है क्यू का नेगेटिव लेना है नीचे डिवाइड कर देना है टी अपॉन सिस्टम लेकिन अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे जो है Q का साइन पॉजिटिव लेना है और उसको T सिस्टम के साथ डिवाइड कर देना है टेम्परेचर सिस्टम का T सिस्टम का मतलब टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम T सराउंडिंग का मतलब टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग तो यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है ये Q सिस्टम और ये Q सराउंडिंग फिर भी मैं लिख देता हूँ Q सिस्टम क्यू Q इट ओके okay. इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि एक हीटेड कॉपर ब्लॉक है ठीक है ये कॉपर का ब्लॉक है 130 डिग्री सेल्सियस में और ये इसका सराउंडिंग है और ये कॉपर का ब्लॉक है ब्लॉक का मतलब कि कॉपर का टुकड़ा है रेक्टेंगुलर हो सकता है स्क्वायर हो सकता है बड़ा सारा तो ये जो कॉपर ब्लॉक है 130 डिग्री सेल्सियस पे है ये सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया सराउंडिंग हो गया तो ये जो कॉपर का ब्लॉक है ये सिस्टम का काम कर रहा है और ये 340 जूल ऑफ हीट सराउंडिंग को लूज़ कर रहा है विच इज़ एट रूम टेम्परेचर ऑफ थर्टी टू डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग जो है थर्टी टू डिग्री सेल्सियस पे है और ये कॉपर का ब्लॉक अपनी थ्री फोर्टी जूल ऑफ हीट सराउंडिंग को लूज़ कर रहा है तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम का निकालना है ठीक है और यानी कॉपर का एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स का निकालना है ये आपका सराउंडिंग्स है ठीक है और टोटल निकालना है एंट्रापिस टोटल एंट्रापी ऑफ द सिस्टम निकालना है तो ऑब्वियसली एंट्रापी ऑफ द सिस्टम निकालना है एंट्रापी ऑफ सराउंडिंग निकालना है अगर आप इन दोनों को निकाल लेते हैं तो टोटल एंट्रापी या यूनिवर्स की एंट्रापी जो है किसके कल होती है एंट्रापी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रापी ऑफ सराउंडिंग तो हम टोटल एंट्रापी चेंज निकालने के लिए एंट्रापी ऑफ सिस्टम अलग से निकाल लेते हैं एंड्रॉपी ऑफ सराउंडिंग अलग से निकाल लेते हैं तो पहले एंट्रापी ऑफ सिस्टम निकाल लेते हैं दिस इज इक्वल टू क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम तो ये कॉपर ब्लॉक हीट को रिलीज़ कर रहा था तो यहाँ पे साइन क्या आएगा नेगेटिव और ये कौन से टेम्परेचर पे था 130 पे 130 थर्टी प्लस टू ठीक है दिस बिकम 403 केल्विन, ये 403 केल्विन आ गया तो ऑफ सिस्टम माइनस जीरो डेसिमल एट फोर जउल पर केल्विन आ गया अब ऑफ सराउंडिंग निकाल लेते हैं क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग तो ये जो सराउंडिंग है वो कितनी हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है थ्री फोर्टी जूल को साइन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव का कौन से टेम्परेचर पे ये थर्टी पे थर्टी टू डिग्री सेल्सियस पे है तो इसको कैलविन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हो टू सेवेंटी थ्री में थर्टी टू एड कर दोगे थ्री हंड्रेड फाइव कैलविन टेम्परेचर आ जाएगा ये थ्री हंड्रेड फाइव से डिवाइड कर दिया तो एंट्रापी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू वन पॉइंट वन वन पर कैलविन आ गया टोटल एंट्रापी चेंज निकालना है एंट्रापी ऑफ सिस्टम और ऑफ सराउंडिंग दोनों को ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड कर दिया और पॉजिटिव uh, वैल्यू बड़ी थी नेगेटिव वैल्यू छोटी थी टोटल एंट्रॉपी चेंज प्लस में आया जीरो पॉइंट टू सेवन जाउल पर कैलविन इसका मतलब कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिड यू अंडरस्टैंड क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि ये कॉपर का ब्लॉक है और ये ब्लैक जो है ये सराउंडिंग है सराउंडिंग का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि 305 केल्विन है और ये जो कॉपर का ब्लॉक है ये क्या है सिस्टम है यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया और इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दिया बाकी आप मैनेज कर सकते हो इजीली। ठीक है सो आई एम श्योर कि दिस नमेरिकल इज़ वेरी क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ से नमेरिकल हमारा शुरू होता है ये इसका सोल्यूशन है बाकी मैंने आपको बता दिया सर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू फोर्थ नमेरिकल पे चलते हैं ये नुमेरिकल आ, 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 आपकी जो रेफरेंस बुक मैंने लगवाई है उसमें नहीं था पर बहुत ही सिंपल नमेरिकल है Uh, क्योंकि ट्रांजिशन वाला नमेरिकल था तो आपकी रेफरेंस टेक्सट बुक में नहीं था तो हमारे जो नोट्स होते हैं वो दो तीन किताबें रेफ़र करके बनाए जाते हैं तो आप सारी किताबें तो नहीं मार्केट से बाय कर सकते हो और रिकमेंडेड ही नहीं है बच्चों को कि तीन तीन किताबों से आप याद करो तो आप नोट्स के लिए तो टीचर पर रिलाई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए आप दो तीन किताबें जितनी मर्जी बाय कर सकते हैं आप पहले तो जो रेफरेंस बुक लगाई हुई है उसके पीछे ही हर चैप्टर के आपको डेढ़ दो सौ मिल जाते हैं वो ज़रूर कीजिए नंबर टू पे आप जो है आईआरटी का या नीट का ट्वेंटी ईयर पेपर बाजार से बाय कर सकते हैं उसमें से एम कीजिए अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो नीट का ट्वेंटी ईयर पेपर या थर्टी ईयर पेपर्स भी मार्केट में आते हैं वो बाय कीजिएगा और जो नॉन मेड के बच्चे हैं आई का जो है थर्टी ईयर पेपर मार्केट में अवेलेबल है ट्वेंटी ईयर भी अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज का तो उससे आपको आइडिया होता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारी असाइनमेंट्स में नो no डाउट वो सारे होते हैं लेकिन फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो बुक भी मार्केट से बाय कर सकते हैं ठीक है तो ये दो तो आपके पास होनी चाहिए बाकी हम अपनी तरफ से भेजते ही हैं सारा मटेरियल। तो कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस एल्फ़ा टिन, एल्फ़ा टिन टिन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये बीटा टिन में कन्वर्ट हो रही है थर्टीन डिग्री सेल्सियस पे और इसकी इंथेल्पी ऑफ ट्रांजिशन टू थाउजेंड पर मोल है मतलब तो डेल्टा एच गिवन है और टेम्परेचर भी आपको गिवन है तो इसको कैलविन में कन्वर्ट कर लो टू एटी सिक्स आ जाएगा तो एंट्रॉपी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है ट्रांज़िशन चाहे डेल्टा और एस के बीच में लिख दो चाहे बाद में लिख दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे ही ये जो ट्रांजिशन है मतलब नॉर्मली मैं हर नमेरिकल में बीच में लिख रहा हूँ डेल्टा और एस के बीच में तो बच्चे अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं कहीं कि बीच में लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनको तो कोई बात नहीं पूरा लिख के डेल्टा एस लिख के उसके बाद लिख दो तो, डेल्टा एस ट्रांजिशन इज इक्वल टू डेल्टा एस ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर तो डेल्टा एच हमें गिवन वन नमेरिकल में टेम्परेचर हमने कैलविन में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से आपने ये आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया क्लियर है अच्छा आगे जो नमेरिकल मैं आपको करवाने लगाऊँ इसमें कहा गया कि आप एंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट कीजिए जब 10 मोल एक आइडियल गैस के रिवर्सिबली एक्सपैंड करते हैं और आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हैं इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर से फाइनल वॉल्यूम 100 लीटर तक 300 हंड्रेड पे आपको याद होगा कि आपने एक नमेरिकल एक फार्मूला ड्राइव किया था वर्क डन बाई आइडियल गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो वहाँ पर आपने क्या लिखा था डब्ल्यू इजिकल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआर टी लॉग वी टू पॉन वी वन रिमेंबर फॉर्मूला नो डाउट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम दैट बट इज़ आलमोस्ट लाइक दैट यू डू नॉट हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला यू जस्ट हैव टू डू दमेरिकल फॉर ओनली फॉर मेन्स और एडवास्ड एग्जामिनेशन बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ यू कैन से इसका डेरीवेशन इज नीदर अ पार्ट ऑफ सिलेबस नॉर यू हैव टू डू बट मैं आउट ऑफ द वे ये नमेरिकल करवा रहा हूँ तो आपको डेल्टा एस सिजिकल टू टू डेमल नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि डेल्टा uh, नेगेटिव का मतलब होता है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है यहाँ पे प्लस का साइन ही लगाएंगे टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री एन नंबर ऑफ मोल कितने हैं टेन आर की वैल्यू कितनी लगाई है 8.314 पॉइंट थ्री पर कैलविन पर मोल क्योंकि हम डेल्टा एस को नॉर्मली जेउल्स पर कैलविन पर मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं लॉग v2 टू अपॉन वी यानी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो ये जो 10 लीटर है v1 होगा और जो 100 लीटर है वो क्या होगा फाइनल वॉल्यूम होगा वैल्यूज़ पुट कीजिए और डेल्टा एस आप कैलकुलेट कर लीजिए आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गैस तो सिक्स नमेरिकल भी ऐसे हैं आपको पता है ना कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में पढ़ा था तो अगर ये फॉर्मूला और ये नमेरिकल में वॉल्यूम uh, की जगह प्रेशर हो तो फिर आपने वी टू अपॉन वी वन नहीं लिखना आपने पी वन अपॉन पी टू लिखना है क्या लिखना है पी वन अपॉन पी टू लिखना है तो जो सिक्स्थ नमेरिकल है इसमें उसने कहा है कि ऑक्सीजन गैस है उसका वेट 64 ग्राम है इसको हमने हीट करके एक्सपैंड किया प्रेशर वन एटमॉस्फेयर से 0.2 पॉइंट ले गए प्रेशर की हेल्प से एक्सपेंड किया 30 डिग्री सेल्सियस पे और P1 इसमें वन एटमॉस्फेयर है P2 इसमें 0.2 पॉइंट है डेल्टा एस कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल नहीं गिवन फॉर्मूला वैसी लगाना है डेल्टा फिजिकल टू तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर लॉग पी वन अपॉन पी टू तो एन नहीं है एन नंबर ऑफ मोल होता है ये किसके कुल होता है गिवन मास जो कि सिक्सटी फोर ग्राम है अपॉन मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन गैस गिवन है ऑक्सीजन गैस का मॉलिकुलर मास कितना होता है थर्टी टू तो नंबर ऑफ मोल हमारे कितने निकलाए टू निकलाए तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन की वैल्यू टू आ गई आर की वैल्यू 8.314 हो गई लॉग पी वन जो है वन एटमॉस्फेयर है और पी टू जो है जीरो पॉइंट टू फाइव है तो वन को पॉइंट टू फाइव से डिवाइड करोगे तो फोर आ जाएगा लॉग ऑफ फोर लॉग ऑफ फोर की वैल्यू ही याद कर लो ठीक है वन uh, से लॉग ऑफ टू से लेके लॉग ऑफ टेन तक वैल्यूज़ uh, जो हैं वो आप सिंपली याद ही कर सकते हैं तो एस जो है वो आपका निकल आएगा ठीक तो अब ये सारा कुछ करने के बाद इतना कुछ पढ़ने के बाद आप आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो पहली स्टेटमेंट को क्लॉशियस स्टेटमेंट कहा जाता है क्लॉशियस स्टेटमेंट में सेकेंड लॉ ऑफ़ डाइनमिक्स में कहा गया था कि इस तरह की मशीन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि विच इज़ एबल टू कन्वे हीट बाई ए साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी पे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते अनलस uh, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं करती या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इन कन्वर्ट हीट इन टू वर्क मतलब कर सकते हैं हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं पर हंड्रेड परसेंट नहीं कन्वर्ट कर सकते uh, कुछ ना कुछ हीट जो है वो लूज हो जाएगी सो दैट इज़ वाई इट इज रिटर्न विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्स वेयर के विदाउट लॉस ऑफ हीट समवेयर एल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट या होल ऑफ द हीट इन टू होल ऑफ द वर्क दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज क्लाशियस स्टेटमेंट बाकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने आप भी मैनेज कर सकते हो बट आई एल टेकअप सेकेंड डेफिनेशन जो है थॉम्सन ने दी थी थॉम्सन स्टेटमेंट से कहा गया इसमें कहा गया कि द हीट ऑफ कोल्ड बॉडी अमंग्स दोज पार्टिसिपेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट सर्व एज ए सोर्स ऑफ वर्क तो जो बॉडी का ठंडा पार्ट है उससे जो हीट निकलेगी वो वर्क का सोर्स नहीं हो सकता थर्ड स्टेटमेंट जो था उसमें यह कहा गया था आप इस तरह का इंजन हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट हो ये है भी है लॉडविक बोल्टमैन स्टेटमेंट लॉडविक बोल्टसमैन स्टेटमेंट में कहा गया नेचर जो है कुदरत जो है टेंड्स टू पास फ्रॉम लीस्ट प्रॉबेबल टू मोस्ट प्रॉबेबल स्पीड यानी कि एंड्रॉपी सिस्टम की इंक्रीज करती है हमेशा यानी कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो नेचुरली अक्रिंग प्रोसेस हैं और वो थर्मोडाइनमिकली इिवर्सीबल हैं जब तक आप उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते फॉर एक्ज़ाम्पल आपके पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं आपने उनको मिक्स कर दिया ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जैसा कि कल के लेक्चर परसों के लेक्चर में मैंने बताया था पर अगर उनको अब आपको सेपरेट करना है तो आपको उनको सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा पांचवी डेफिनेशन में कहा गया जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें टोटल एंट्रापी चेंज पॉजिटिव होती है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं नंबर सिक्स यूनिवर्स की एंट्रापी कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो ये इतनी सारी डेफिनेशंस मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स की आपको बताई हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड यू मस्ट बी फाइंडिंग थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर वेरी इजियर एंड वेरी सिंपलर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पिकअप द थिंग्स विच आर नॉट गिवन इन द रेफरेंस बुक फ्रॉम अदर बुक्स एंड ट्राई टू मेक यूर नोट्स कम्प्लीट वन थिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ इज़ प्रैक्टिसाइज निमेरिकल्स एज़ मच एज यू कैन डू तो जब आप मुझे होमवर्क सबमिट कराते हैं तो उसमें से कुछ बच्चों बड़े फनी तरीके से ना निमेरिकल सिर्फ वही देते हैं जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिए होते हैं जो मैं कहता हूँ कि आप अनसोल्ड निमेरिकल जो है किताब से करके दो वो अलग से नहीं आपने दिए होते हैं। तो लगता है कि मुझे थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर के लिए आपको फिर असाइनमेंट्स ही देनी पड़ेंगी असाइनमेंट देता जाऊंगा तो आप करते जाओगे ऐसे तो आप नमेरिकल्स कर नहीं रहे ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा नमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए क्योंकि प्लस वन में है नमेरिकल्स ज़्यादा केमिस्ट्री में प्लस टू में जो फिज़िकल केमिस्ट्री के पार्ट है वो थोड़ा छोटा है कम्पैक्ट है प्लस वन में नमेरिकल्स का नंबर ज़्यादा है डेफिनेटली ज़्यादा है तो आप इसको मन लगा के कीजिएगा thank you very much we call it today love you all see you tomorrow a nice day